नमस्कार बच्चों, वेलकम टू दी एंकर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज लेक्चर नंबर 6 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी बैक बॉन्डिंग की और ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बैक बॉन्डिंग, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज आर करेक्ट। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो पहले आपको पिछली वीडियो देखना जरूरी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज आर करेक्ट। तो पहला है डी एफ बी से एफ है, बी एफ फोर माइनस चार्ज है इज ग्रेटर देन बी एफ थ्री। फिर सेकेंड ऑप्शन है एक्सटेंडेड बैक बॉन्डिंग, पी एफ थ्री इज ग्रेटर देन बी एफ थ्री। थर्ड है बॉन्ड एंगल ए एस एफ थ्री इज ग्रेटर देन ए एस एस थ्री। और फोर्थ है बॉन्ड ओ सी एल टू इज स्मॉलर देन ओ बी आर टू। तो आप बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, फिर ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो राइट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग H3BO3। तो पहला ऑप्शन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट इट इज हैविंग सीट लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड है पॉइंट 2P pi बॉन्ड 2P pi बैक बॉन्डिंग टेक प्लेस। थर्ड है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। फोर्थ है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल चेंजेस, मॉलिक्यूल इज प्लेनर विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन। ये सारे ऑप्शन जो है, ये हर एक जो मैंने पिछले एक्सप्लेनेशन दिया है पिछले वीडियो में, उसी में से ये उठाए गए हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है, इसमें से सारे ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब हम H3BO3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बी बॉन्ड ओ से यहाँ पे एच बनेगा, तो ये आपका इधर से आएगा, तो ये बॉन्ड ओ जाएगा इधर से बॉन्ड एच, इधर से बॉन्ड ओ, और ये बॉन्ड एच बन जाएगा। तो इसका जो बी बॉन्ड ओ से यहाँ से एच बनेगा, तो इस पे कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ऐसे आएगा इधर से। आप यहाँ पे आप चार्ज देंगे तो ये आपका चार्ज ऐसे रहेगा, और ये ऐसे रहेगा, और ये यहाँ से आपका कौन बनेगा, ये इधर से एच, तो ये आपका ऐसे रहेगा, और ये ऐसे, तो ये आपका क्या बनेगा थीटा वन, और यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका क्या हो जाएगा थीटा टू हो जाएगा। तो ये थीटा टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा जो थीटा वन है ये किसके इक्वल होगा 120 डिग्री के, और थीटा टू किसके इक्वल होगा, जो थीटा टू होगा वो किसके इक्वल होगा अप्रोक्स 112 डिग्री से। तो नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओ टू इन एच थ्री बी ओ थ्री इज इन बिटवीन SP3 and SP2। तो इसका जेई ने आंसर क्या दिया था, जेई का आंसर क्या था, SP2 था, क्या आंसर था SP2। हाइड्रेशन ऑफ O2 इन H3BO3 इज बिटवीन SP3 एंड SP2, लेकिन जेई का आंसर क्या था आपका SP2 आंसर था। तो राइट डाउन कर लीजिए, इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी बी से ओ तक जाना है, तो इसमें बताना है कि बी ओ एस थ्री थ्री प्लस बी, बताना है बी ओ एस थ्री और बी ब्रैकेट ओ एच का होल फोर माइनस चार। इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन है, जिसमें ग्रेटर कौन देन, ये कौन सा है SP2 ऑर्बिटल है, और ये कौन सा है SP3 है। तो इसमें कौन सा ग्रेटर देन होगा, ये ग्रेटर देन होगा b ब्रैकेट में ओ एच थ्री इज स्मॉलर देन बी ओ एच का होल फोर माइनस चार।
तो इसके हम इस चीज से बना लेते हैं, तो इसके लिए बनेगा बी ओ एच माइनस लगेगा, यहाँ पे क्या है ओ एच, यहाँ पे ओ एच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है कि थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री बताना कौन सा ग्रेटर देन है कौन सा स्मॉलर देन। ये बी ओ एस का होल थ्राइस है, बी ब्रैकेट में ओ सी एस एस थ्री का होल थ्राइस है, और बी ब्रैकेट में ओ एस आई एस थ्री का होल थ्राइस। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका इसमें थीटा वन है थीटा टू है थीटा थ्री, तो इसमें बताना है कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा स्मॉलर देन है। तो थीटा वन जो है वो स्मॉलर देन किससे है थीटा टू से, और थीटा टू किससे स्मॉलर देन है थीटा थ्री से। बस समझ में आ गई, तो राइट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एच थ्री का होल ट्वाइस इंटू ओ प्लस बी एफ थ्री से क्या डायरेक्ट कर जाएगा, तो ये क्या बनेगा सी एच थ्री ई का होल ट्वाइस का होल ट्वाइस क्या बनेगा बी एफ थ्री बनेगा, और यहाँ पे एस आई एस थ्री का होल ट्वाइस ओ प्लस बी एफ थ्री से कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो एस आई एस थ्री का होल ट्वाइस इंटू ओ से बी एफ थ्री में कुछ नहीं बनेगा। तो इन लिखिएगा इन एस आई एस थ्री होल ट्वाइस इंटू ओ द एल पी ऑफ ऑक्सीजन गेट डी localized in vacant d orbital of silicon hence not available for eject formation कैसे हम इसका बना लेते हैं सी एस थ्री का। तो ये स्ट्रक्चर है सी एस थ्री बॉन्ड ओ से सी एस थ्री का, और ये क्या है हमारा थीटा वन है, इसका सिलिकॉन का ये एस आई एस थ्री का, और इधर से एस आई एस थ्री का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये क्या है थीटा टू है। अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो इसमें पहले वाले में क्या होगा नो बैक बॉन्डिंग, क्या होगी नो बैक बॉन्डिंग। सेकंड में क्या होगा थीटा वन इज ग्रेटर देन 109 डिग्री, और थीटा वन किसके इक्वल होगा कम से 110 डिग्री के, ये क्या है एस आई आर। अब इसमें देख लेते हैं सेकंड वाले में, तो इसमें क्या होगा बैक बॉन्डिंग होगी, कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी 2P पाई से क्या डी पाई, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा थीटा टू इज ग्रेटर देन 109 डिग्री फ्रॉम, तो ए क्या होगा ये थीटा किसके इक्वल होगा अप्रोक्स 144 डिग्री के होगा, ए क्या होगा बैक बॉन्डिंग होगी, और बी क्या होगा एस आई आर। बात समझ में आ गई, तो ये सारे राइट डाउन कर लीजिए, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सारी चीज समझ में आ रही है ना बच्चों, क्लियर है पक्का, चलो ठीक है तो राइट डाउन कर लो। अब हम बात करते हैं बोरॉक्सिन की, बात करते हैं तो इसमें क्या है B3O6 का चार्ज कितना लगेगा 3- B3N3H6, इसको बोरॉक्सिन बोलते हैं बोराजोल बोलते हैं, और इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। इसका फिगर इस टाइप का, तो ये कैसे जाएगा ऐसे, देखिए ऐसे होता है, ये ऐसे करके पूरा ऐसे और रोटेट होता है, जिसका फिगर हम बना लेते हैं। तो ये B पे क्या लगेगा माइनस चार्ज लगेगा, यहाँ पे O पे क्या लगेगा आपका माइनस चार्ज लगेगा, यहाँ पे O पे क्या लगेगा प्राइसेस चार्ज लगेगा, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग्स होंगी, और ये यहाँ पे B माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सेम तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या B माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O माइनस हो जाएगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ तक ये यहाँ पे क्या हो जाएगा O माइनस हो जाएगा, तो O माइनस। तो इसमें पॉइंट्स का लिखेंगे, इसमें कौन सा 2π हो रहा है, ठीक है, प्लेनर है, प्लेनर स्लैश क्या हो रहा है एरोमेटिक, क्या हो रहा है एरोमेटिक, और थर्ड पॉइंट लीजिएगा ऑक्सीजन में sp3 से क्या जा रहा है sp2। सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा, इधर राइट डाउन कर लीजिए पहले।
ये किसका है, बी थ्री ओ सिक्स थ्री माइनस का। अब हम बात करेंगे बी थ्री एन थ्री एक्सिस का, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए पहले। तो सारे फिगर आपको इसी तरह करना है, तो जैसे फिगर दे दिया है आपसे, इसमें पूछ लिया जाएगा कि टू पी पाई बॉन्डिंग है कि नहीं है, तो आपको बताना है कि ये राइट है कि नहीं है, तो इस तरह आपको ऑप्शन दे सकते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है, बी थ्री एन थ्री एक्सिस का है, तो इसमें आप देखिए ऐसे होगा, तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है पूरी तरीके से। इसका फिगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, बी पे क्या लगेगा, माइनस चार बॉन्ड एस लगेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड एन लग जाएगा, ये एन पे कौन चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, एच लग जाएगा, यहाँ नीचे लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस चार्ज लग जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन प्लस, और नीचे क्या लग जाएगा, एस चार्ज लग जाएगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, बी माइनस, बी पे कौन सा लगेगा, माइनस चार्ज लगेगा, बी पे कौन सा लगेगा आपका, माइनस चार्ज लगेगा, यह बॉन्ड एच की तरफ हो जाएगा, इधर आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड लगेगा, क्या लगेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ से एन प्लस प्लस एच, इस तरह आप ऐसे बनाना, कैसे बनाना है आपको, इस तरह पूरा ऐसे, मैंने थोड़ा ऐसे उल्टा बना दिया आपको, ऐसे करके बनाना, तो बी से क्या जाएगा, एन एच प्लस एस से, फिर डबल बॉन्ड बी माइनस एस से, फिर यहाँ प्लस आएगा एन प्लस चार्ज, फिर ऐसे पूरा रिपीट देखिए पूरा, इसीलिए यहाँ पे ऐसे फिगर आपको बना दिया गया है, थोड़ा फिगर मेरा समझ लीजिएगा, तो ऐसे आपका पूरा ऐसे इस तरह होगा, देखिए ऐसे पूरा जा रहा है, इस तरह आपका पूरा इस तरह बनेगा, कोई दिक्कत आपको, तो समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे पूरा बनेगा आपको इस तरह, इसीलिए आपको एरो मैंने दिखा दिया है। तो आप पॉइंट्स लिख लीजिएगा, तो ये कौन सा है, टू पी पाई, टू पी पाई है, सर बस समझ आइए क्या है, प्लेनर एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक है, ये क्या है, बीएन क्या है इसका, एसपी टू है, और मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितना है, इन अ प्लेनर कितना बताइए, गिन के बताइए कितने हैं, 12, कितने हैं, 12, तो राइट डाउन कर लीजिए। तो आपका भी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ये इससे रिएक्शन हो रही है HCl से, तो इसमें आपको फाइंड करना है x और y, तो जो फर्स्ट है ये इसका फिगर, ये कौन सा है, प्लेनर है, प्लेनर है कि नहीं, सेकंड पॉइंट है इसका जो बोरान और नाइट्रोजन क्या है, वो sp2 है कि नहीं है, और अब इस फिगर की बात करते हैं, तो ये सेकंड फिगर क्या है हमारा, नॉन प्लेनर है कि नहीं, नॉन प्लेनर है कि नहीं बताइए, नॉन प्लेनर है ये, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है, तो जो फर्स्ट है ये क्या है हमारा, नॉन प्लेनर है, और सेकंड क्या है, जो बोरॉन है वो हमारा क्या है, sp3 और ये जो नाइट्रोजन है वो हमारा क्या है, sp2 है, ये हमारा बोरॉन क्या है, एक्स है, और ये हमारा क्या है, वाई है, तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, एच प्लस होगा, और ये हमारा क्या होगा, Cl- होगा, तो x हमारा क्या होगा, Cl- होगा, और y हमारा क्या होगा, H+ होगा, तो राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CF3 होल ट्वाइस Al से क्या बॉन्ड, ओ बॉन्ड AlCF3 का होल ट्वाइस, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, थीटा है, सेकंड है PS3SI बॉन्ड ओ बॉन्ड एस आई पी एस थ्री से, यहाँ थीटा बन रहा है, थीटा क्या है, सिमिलर टू कितना है, 180 डिग्री वाई, रीजन पूछा है, तो रीजन आप क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट केस प्रेजेंस ऑफ CF3 ग्रुप इंक्रीज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम दैट इज लोन पेयर ऑफ O2 दैट कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड इन वैकेंट डी ऑर्बिटल As a result of which hybridization of O2 changes from sp3 to sp3 to sp,
तो राइट डाउन कर लीजिए। बात समझ में आ गई ना किस वजह से है? अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम टॉपिक क्या है, एन एज अ डोनर आइटम। तो इसमें बताना है कि एन एस थ्री ग्रेटर है कि स्मॉलर है, कि एन एस सी एल थ्री स्मॉलर है कि एन एफ थ्री है। तो एन एस थ्री इज ग्रेटर देन एन सी एल थ्री एंड एन सी एल थ्री इज ग्रेटर देन एन एफ थ्री, किस वजह से? बेंड्स रूल एक्सेप्टेड। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसका फिगर बना लेते हैं एनएस थ्री का। तो एनएस थ्री का कैसे बनेगा, ऐसे लोन क्लियर रहेगा, यहाँ पे ये एच बनेगा बॉन्ड, यहाँ पे ये एच बनेगा और यहाँ पे एच बनेगा। एनसीएल थ्री का बता दो, एनसीएल थ्री में कैसे बनेगा, ये ऐसे एक्सपेक्टेड है, ये सी एल यहाँ बनेगा, ये सी एल यहाँ बनेगा और ये सी एल यहाँ बनेगा। एन एफ थ्री बनाते हैं, एन एफ थ्री भी ऐसे बनेगा, एन एफ थ्री यहाँ एफ, ये यहाँ पे एफ बनेगा और यहाँ पे। बस समझ में आ गई। तो एन सी एल थ्री इज ग्रेटर देन एन एस थ्री, एन एस थ्री इज ग्रेटर देन एन एफ थ्री। इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 107.5 डिग्री। इसका कितना है 107 डिग्री, इसका कितना है 103 डिग्री है। तो बॉन्ड एंगल लिखिएगा, बॉन्ड एंगल as well as bond length data suggest that back bonding, क्या है, back bonding does not take place in NCL3। किसमें नहीं होगा, NCL3 में नहीं होगा। तो राइट डाउन कर लीजिए। अब इसमें पूछ रहा है कि OCl2 और NCl3 में कौन सा ग्रेटर देन है। तो इसमें OCl2 इज ग्रेटर देन NCl3, किस वजह से है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें PSI3 का स्ट्रक्चर। तो PSI3 का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, तो ये क्या है, थीटा बने। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे बगल में S3 पूरा ऐसे बनेगा, एक मिनट, ये पूरा इस तरह है ऐसे, और ये इसका क्या है S3 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे S3 रहेगा और दिस रहेगा S3। इसका अप्रोक्स कितना है, सिमिलर टू 96%। इसका कितना है, 99% है, ये पूरा आपका ऐसे रहेगा, देखिए ऐसे। तो इसमें बताना है कौन सा थीटा वन ग्रेटर देन है कि थीटा टू है। तो थीटा वन इज स्मॉलर देन थीटा टू, किस वजह से है, ये क्या है PSI3 यूनिट है और ये P से क्या SI क्या बना रहा है, ड्रैगो बना रहा है, ड्रैगो, और P क्या है, मच ग्रेटर देन है। ठीक है, और इसमें सेकेंड वाले में क्या है, PCl3 में क्या है, PCl3 यूनिट क्या है, ड्रैगो है, ड्रैगो P से कौन सी बना रहा है, और ये क्या है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, इस वजह से थीटा वन क्या है, स्मॉलर देन है थीटा टू से। बात समझ में आ गई, तो राइट डाउन कर लीजिए। इसमें बताना है कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है और कौन सी यूनिट है। तो इसमें क्या होगा, NC3 यूनिट्स क्या है, पिरामिडल है, क्या है, पिरामिडल। ठीक है, इसमें क्या है, N क्या है, NSI3 यूनिट क्या है आपकी, प्लेनर है, क्या है, प्लेनर है। इसमें कौन से है, NGE3 और यूनिट्स क्या है आपकी, प्लेनर है। और NCS3 का होल साइज में क्या है, नो बैक बॉन्डिंग, क्या है, नो बैक बॉन्डिंग। NC3 यूनिट क्या है इसकी, पिरामिडल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा, NCl3 ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा और ये इसमें बनेगा। अब हम NSIS3 का होल थ्रेड का बना लेते हैं कि किस वजह से ये, अरे हमने NCS3 बता दिया, इसका NCS3 यूनिट है, इसका क्या है, बैंडल, इसमें क्या हो रहा है, नो बॉन्डिंग हो रहा है, और NCS3 यूनिट क्या है इसकी, बाइपिरामिडल। अब हम बात करते हैं
NSIS3 की, इसकी बात हम बात कर चुके हैं NSIS3 की। अब हम बात करते हैं NSIS3 का होल ट्वाइस की। तो NSIS3 का होल था इसमें, तो इसका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जैसे N डबल बॉन्ड, ये N दो लोन पेयर, NIS3 दो चार्ट लग जाएगा यहाँ पे, NIS3 यहाँ से इस तरह बनेगा SIS3 से। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कैसे रहेगा SIS3 और ये आपका SIS3 से, यहाँ से SIS3 से ये इसका इमर्ज हो जाएगा, यहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा और यहाँ से आपका यहाँ जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, N प्लस, तो ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यहाँ पे SI3 पे कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे भी आपका कौन सा चार्ज हो जाएगा, SI3 पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, SIS3 पे आपका निगेटिव चार्ज बनेगा। तो इस तरह ये प्लेनर बन जाएगा, ये ऐसे बात समझ आ गई। तो इसका पहले लिख लीजिएगा, पहले इतना राइट डाउन करिए फिर इसका बताता हूँ। तो इसके बाद ये राइट डाउन करिएगा, इसका राइट डाउन करिएगा, ये क्या है 2p पाई बॉन्ड, 2p पाई बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन से सिलिकॉन की तरफ जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन क्या है sp3 से sp2 की तरफ जाएगा और ये किससे सिमिलर है, 109 डिग्री से इज इक्वल टू कितना है 120 डिग्री का। तो ये ट्रायंगल के जो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अप्रोक्स कितना आ जाएगा, सिमिलर टू किसका आ जाएगा, 11 डिग्री का। इसका बात करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट है मैक्सिमम एटम कितने होंगे, मैक्सिमम एटम कितने होंगे, 7 होंगे, कितने होंगे, 7 एटम होंगे। जो नाइट्रोजन एटम होगा वो हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन एटम इज एक्साइटेड स्टेट, यस क्या है, यस नाइट्रोजन एटम इज एक्साइटेड स्टेट, आंसर क्या है, यस। और ये क्या है, एंगल SI नाइट्रोजन SI क्या होगा, इंक्रीज होगा और डी सिलिकॉन से लेकर नाइट्रोजन से क्या होगा, डिक्रीज होगा और LB भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ आ गई, इतना राइट डाउन कर लीजिए ये सारे पॉइंट्स। देखिए आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना क्वेश्चन आएगा, उतना आपको समझ आ रहा होगा ना, तो राइट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है GES3, GES3 और GES3। इसमें क्या लगेगा, पॉजिटिव चार्ज लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, 2p पाई बॉन्ड से क्या बनेगा, 2d पाई, ये क्या है, वीक है, क्या है, वीक है। और ट्रायंगल थीटा कितना है, डेल्टा थीटा कितना है, सिमिलर टू किसके है, 11 डिग्री है, किसके है, 11 डिग्री के। क्वेश्चन करेंगे, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो इसमें बताना है आपका कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर देन, NCS3 का होल थ्राइस, NSIS3 का होल थ्राइस और NGES3 का होल थ्राइस। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड होगा और थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड होगा, किस वजह से, रीजन ये क्या बनेगा, 2p पाई से क्या बनेगा, d 3d पाई और यहां पे क्या बनेगा, 2p पाई से 4d पाई बनेगा, इस वजह से फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड एंड थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड। तो राइट डाउन कर लीजिए सारे क्वेश्चन। अब आपको बताना है सी एज अ डोनर एटम, तो इसमें बताना है कि CH3Cl, हमने नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम और हम कार्बन एज अ डोनर एटम की बात करेंगे। तो CH3CH3 और CHF3 एसिडिकेशन बताना कौन सा ग्रेटर देन है और कौन सा स्मॉलर देन है। तो CHCl3 इज ग्रेटर देन CHF3, किस वजह से, जब इसमें रिएक्शन होगी तो आपको क्या बनेगा, CCl3- और यहाँ पे क्या बनेगा, H+ और यहाँ पे जब होगा तो क्या बनेगा, CF3- + H+। तो C पे जो लोन पेयर लगेगा, माइनस चार्ज लगेगा, ये यहाँ के Cl बन जाएगा, ये Cl और ये Cl, तो ये क्या बनेगा, 2p पाई और 3d पाई और यहाँ से जब इसका होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, C बॉन्ड से Cl यहाँ पे क्या लग जाएगा, निगेटिव चार्ज लग जाएगा
और यहाँ पे भी क्या होगा, निगेटिव चार्ज लगेगा और यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज लगेगा। तो कार्बन जो होगा वो sp3 से कहाँ पे जाएगा, sp2 पे जाएगा। बात समझ आ गई। तो और ये जो c bond f पे क्या होगा, नो बैक बॉन्डिंग होगी, क्या होगी, नो बैक बॉन्डिंग होगी और ये क्या बनेगा, प्राइम मेटल स्ट्रक्चर बनेगा। इस वजह से क्या है, CHCl3 इज ग्रेटर देन CHF3। बात समझ आ गई, तो राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके हमें स्टेबिलिटी बताने की, इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो CF2 ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड। ये बताना कौन सा ग्रेटर है। तो CF2 इज ग्रेटर देन CCl2 एंड CCl2 इज ग्रेटर देन CCl3। कैसे, C पे ये लोन के लगा, ये F ये यहाँ पे जाएगा, तो ये F ये क्या है हमारा, sp2 है, क्या है, sp2 है। तो यहाँ का आंसर बनेगा 2p पाई से 2p पाई बनेगा। और ये जो CCl ये इधर से लोन पे लगा और ये कैसे बनेगा, CCl और यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2p पाई से 3p पाई। इस वजह से BR3 और BI3 है, तो इसमें बताना कौन सा ग्रेटर है। तो इसमें बैक बॉन्डिंग जो होगी, बैक बॉन्डिंग क्या है इसकी, 2p पाई से 2p पाई और 2p पाई से 2p पाई से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p पाई और 2p पाई से क्या, 4p पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5p पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2p पाई इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3p पाई और 3p पाई इज ग्रेटर देन 5p पाई। और एल से लुईस बेस में इसमें क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, स्मॉलर देन हो जाएंगे। BF3 स्मॉलर देन BCl3 एंड BCl3 स्मॉलर देन BR3 एंड BR3 स्मॉलर देन BI3। अब हम बात करते हैं SiF4 और SiCl4 में और SiBr4 में और SiC3 में। तो ये जो SiBr4 का है इसका मच ग्रेटर देन है, इसमें क्या है, मच ग्रेटर देन है। इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसका चार्ज इस तरह है। तो इसमें बैक बॉन्डिंग क्या होगी, इसमें जो बैक बॉन्डिंग होगी इस तरह होगी, SiF4 इज ग्रेटर देन SiCl3 एंड SiCl3 इज ग्रेटर देन SiBr4 एंड SiBr4 इज ग्रेटर देन SiF4। और इसका जो लूज एसिड होगा, लूज एसिड वो कैसे होगा, वो भी सेम होगा, SiF4 इज ग्रेटर देन SiCl4 एंड SiCl4 इज ग्रेटर देन SiBr4 एंड SiBr4 इज ग्रेटर देन SiF4। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन आपने कर लिया इसमें, तो आपको जो बैक बॉन्डिंग है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।